हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो फिर से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजू की टिप्स। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, लगभग 80% के आसपास व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपकी सेहत से संबंधित, आपकी ब्यूटी से संबंधित सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो वो मैं इसलिए बताता हूँ कि हम एक अपनी यूट्यूब पर एक फैमिली बनाना चाहते हैं। तो आप लोग उसमें मेरा साथ दीजिए, हमें अपनी एक फैमिली, बड़ी फैमिली बनानी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज फिलहाल मैं आपसे बात करूंगा ये ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट है। ये किस कंपनी की है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसकी सावधानियाँ क्या हैं, ये टिप्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसका फार्मूला होता है ओफ्लोक्सासिन, इसके अंदर पाया जाता है। और बात करें इसके कंपोजिशन की, तो ईच फिल्म कोटेड, ये फिल्म कोटेड होते हैं, इसके ऊपर से मतलब टैबलेट के ऊपर से एक फिल्म चढ़ी हुई आती है। अगर ईच फिल्म टैबलेट की बात करें तो 200 mg टैबलेट के अंदर पाया जाता है ओफ्लोक्सासिन। सावधानियां ये हैं कि लाइट से प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर आपको जहां पर 30 डिग्री से ज़्यादा हो वहां पर आपको इसको नहीं रखना है। कम वाला मॉइस्चर जहां पर होगा 30 डिग्री से आप वहां पर इसको रखेंगे। और इस पर साफ साफ लिखा रहता है, डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। मतलब आपकी डोज आपके फिजिशियन आपको बताएगा, जैसा आपको बताया वैसे इसको इस्तेमाल करेंगे और बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है। इस पर चेतावनी लिखी रहती है, दिस ड्रग में कॉज लो ब्लड शुगर एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स। ये दवा जो है ये आपके ब्लड शुगर लो कर सकती है और मेंटल हेल्थ जो दिमागी संतुलन है उसके संबंधित जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो दिखा सकती है। आगे बात करेंगे इसके कुछ उपयोग की, कुछ फ़ायदे बताते हैं। ओफ्लोकैम 200 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में मदद करता है। इसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट, नाक, गले, त्वचा, कोमल ऊतकों और फेफड़ों जैसे निमोनिया हो जाता है, इसके इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। यह इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को विकास को रोकता है और इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। ये इसका काम है इस टैबलेट का। आगे बात करते हैं कुछ और टिप्स की इसके बारे में। तो ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए। इसे खाने के साथ या बिना खाना खाए खासकर एक नियत समय पर लें। किसी भी खुराक को छोड़ने से बचें और इलाज का पूरा कोर्स करें। भले ही आपको बेहतर महसूस हो रहा हो तब भी आप इसका कोर्स पूरा करें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की मैं आपको बताऊं तो इसमें फ़िलहाल एक अभी बता देता हूं मैं आपको, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि पेट में दर्द हो सकता है, एक आम साइड इफ़ेक्ट है। अब आगे बात करेंगे, ये आमतौर पर अस्थायी होते हैं, जैसा मैं आपको बताता हूं अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये आपको परेशान करते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। डायरिया, दस्त जैसे साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी हो सकता है, लेकिन कोर्स पूरा हो जाने पर सही हो जाना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होता है या अगर आपके मल में ब्लड आता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आगे और बात करेंगे इसकी थोड़ी टिप्स की। अगर आपको इस दवा की किसी सामग्री से कोई एलर्जी है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभार कुछ लोगों को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिसमें तुरंत मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसके लक्षणों में रैशेज, होंठ, गले या चेहरे की सूजन, सांस उखड़ना या चक्कर आना शामिल है। अगर आपको पहले किडनी की बीमारी हो चुकी है तो इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके मुख्य इस्तेमाल वही है कि बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी संक्रमण होते हैं उसमें ये उपचार के काम आती है। अब बात करते हैं ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के लाभ, जो मैं आपको बता देता हूँ बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में कैसे काम करता है ये। तो ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक है दवा, जिसे बैक्टीरिया के कारण होने वाले विभिन्न संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इन्फेक्शन कारक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है और इन्फेक्शन को समाप्त करता है। इसे तब तक लेते रहें जब तक लेने के लिए डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखा गया है, और खुराक छोड़ने से बचें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं तथा उनमें प्रतिरोध विकसित ना हो। बात करते हैं इनकी साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक नहीं रहते हैं, टाइम के अनुसार जैसे जैसे बॉडी आपकी इसके साथ साथ घुल जाती है वैसे वैसे ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मिचली आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है या डायरिया हो सकता है। ये पेट में जो दर्द होता है उसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है आपको। बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट को खाने के लिए आपको खाना खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं,
लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। बात करते हैं ओफ्लोकैम टैबलेट जो है वो किस प्रकार काम करती है। तो ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक है। यह DNA गायरेज नामक बैक्टीरियल एंजाइम की क्रिया को रोककर काम करता है। यह बैक्टीरियल कोशिकाओं को विभाजन और मरम्मत से रोकता है, जिससे उन्हें मार देता है। अब थोड़ी सुरक्षा संबंधित सलाह मैं आपको दे देता हूँ। क्या ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल आप शराब के साथ कर सकते हैं? तो ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट के साथ शराब पीना सुरक्षित नहीं है। और क्या गर्भावस्था के दौरान टैबलेट का इस्तेमाल करना सुरक्षित है? तो गर्भावस्था के दौरान ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है। हालांकि इंसानों से जुड़े जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये साबित हुआ है कि ये असुरक्षित हो सकता है, लेकिन जानवरों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ और संभावित जोखिमों की तुलना करेंगे और उसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगे। कृपया अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब क्या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित है? ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट स्तनपान के दौरान इस्तेमाल करने के लिए संभवतः असुरक्षित है। मानवों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि यह दवा माँ के दूध में मिश्रित हो सकती है और बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। अब क्या ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल करते समय गाड़ी चलाना सुरक्षित है? तो ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट के इस्तेमाल से सजगता में कमी आ सकती है, आपकी दृष्टि प्रभावित हो सकती है या आपको नींद और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। इन लक्षणों के महसूस होने पर वाहन न चलाएं। अब क्या किडनी की बीमारी में ये इस्तेमाल करना सुरक्षित है? तो किडनी बीमारी से पीड़ित मरीजों में ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, कृपया अपने डॉक्टर की सलाह लें। लीवर की बीमारी पर क्या ये सुरक्षित है? तो लीवर की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। इसकी खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, कृपया अपने डॉक्टर की सलाह लें। अब कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसके साथ आप इसको लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो एक उसमें होती है रेसेग्लिन, एक होती है सेलेजिलिन, एक होती है टिजेनेडाइन, एक होती है स्ट्रोंटियन क्लोराइड। ये इसकी चार तरीके की दवाएं हैं जिसके साथ आपको इस्तेमाल ना लें। अब कुछ खास टिप्स मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ इसके बारे में। डॉक्टर ने आपको ओफ्लोक्सासिन टैबलेट की सलाह संक्रमण के इलाज और लक्षणों में सुधार के लिए दी है। बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोर्स पूरा करें। अगर आपको रैश, त्वचा में खुजली, चेहरे पर या मुंह पर सूजन या सांस लेने में कठिनाई हो तो ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। साइड इफेक्ट के तौर पर दस्त होना शुरू हो सकता है, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद दस्त होना रुक जाना चाहिए। अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि नहीं रुक रहा है या आपके मल में रक्त मिल रहा है, मतलब आपके पेशाब में अगर खून आ रहा है। तो अगर आपको सूजन, सुन्न होने या झंझनाहट जैसी संवेदनाएँ महसूस हो रही हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। और अगर आप गर्भवती हैं या गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान कराती हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित अवश्य करें। तो ये इसके सारे उपयोग मैं बता चुका आपको, इसके फ़ायदे, इसके कुछ टिप्स, इसके साइड इफ़ेक्ट, कब इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दे चुका हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी कंपनी की। तो ये मेरे पास एलकेएम कंपनी का है। एलकेएम लेबोरेटरीज एक बहुत बेहतरीन ब्रांड है अपने आप में। ये आप देख सकते हैं एलकेएम का यहाँ पर लोगो रहता है, ये ए बना हुआ और बड़ा बड़ा मेंशन किया रहता है। और सामने ये एलकेएम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टैबलेट के ऊपर एलकेएम लिखा रहता है बड़ा बड़ा, इसकी ये पहचान है। एलकेएम की भी कई अलग अलग डिवीज़न आती हैं, ये आपको अलग अलग कलर मिल सकती है। कुछ अलग डिवीज़न आती है जिसमें रेड कलर का स्टेप आता है या बहुत सारी आती हैं। अगर आपको लेना है तो आप एलकेएम की ले सकते हैं। आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपको हर मेडिकल स्टोर पर या आप किसी भी एरिया में रहते हो आप वहाँ मिल जाएगी। आपको अगर एलकेएम की आपके एरिया में नहीं मिल रही तो आप किसी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं, आप किसी बेहतरीन कंपनी की मेडिकल वाले से बोल के ले सकते हैं, आप मिल जाएगी। बात करता हूँ इसकी MRP की, तो ये 10 टैबलेट का स्ट्रिप 79 रुपये का आता है, मतलब 79 रुपीज़ का। तो 70-75 रुपये के आसपास आपको ये 10 टैबलेट मिल जाएंगी। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, आप किसी भी डॉक्टर से या बिना पर्चे के भी आप इसको ले सकते हैं, आप किसी भी एरिया में चाहे रहते हो। लास्ट में आपसे मैं बात करूँगा इसकी डोज की। तो ये आप एडल्ट हैं, अगर 18 एबव हैं तो आपको क्या करना है, ये टैबलेट सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है एक एक टैबलेट। अदरवाइज़ आपको ये 3 टाइम नहीं लेनी है। और अगर आपकी उसी हिसाब से एज कम है तो आप उसकी डोज को हल्का कर लें, आप टैबलेट थोड़ी हल्की कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप साइड इफ़ेक्ट होने के चांस हो जाते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी डोज करनी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं अभी आपको ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।